लंबे समय से बदहाल हालत में पड़ी जयपुर सेंट्रल जेल अब फिर से चमकती और दमकती नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय और जेल प्रशासन की ओर से जेल में रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जेल के मुख्य द्वार पर रंग रोगन करते हुए राजस्थान और ऐतिहासिक कला से जुड़ी पेंटिंग्स और कृति को उकारा गया है। सौंदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए जेल के अंदर सभी दीवारों पर रंग रोगन किया गया है। साथ ही विभिन्न बंदियों की बैरकों में भी कला और संस्कृति से जुड़ी कृतियों की पेंटिंग्स के जरिए दर्शाया गया है, ताकि बंदियों में कला के प्रति चेतना जागृत हो। जेल के अंदर ड्रामा सेंटर गार्डन को भी चमकाया गया है। खास बात यह है कि ऐतिहासिक और कला संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग्स को चमकाने में बंदियों का रोल सबसे अहम रहा है। इसके जरिए पूरी जेल का सौंदर्यकरण किया गया है। कोई पहल तो मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई पहल है, ये एक हमारा आवश्यक भाग है। जहाँ पर 1500-1600 लोग रह रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट है, उनका जो रहने का जो परिसर है वो निश्चित तौर से साफ़ सुथरा होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाला होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को ही हमने समझते हुए डी साहब से निवेदन किया, कुछ हमें फंड्स मिले और कुछ हमारे बंदियों की भागीदारी रही। उसके बाद हमने दरवाजा, हमारे जो बाहर एंट्रेंस गेट है उसको हमने, जो जयपुर की विरासत है उस परंपरा में, उसका डेकोरेटिव रूप से बनाया है। अंदर भी कुछ पॉकेट्स जो बहुत ख़राब थी, उन लोगों को, उन जगहों को हमारे बंदियों ने अपने श्रम से और उस साधन से तैयार करने का प्रयास किया है। अच्छा प्रयास हुआ है और अब हम इसको पूरे जेल में प्रसारित करने का, या इसको हम चाह रहे हैं कि बंदी पूरी जेल को इस तरह के एनवायरनमेंट में बना दें कि जहाँ पर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता दीवारों से, रहने से, उस परिस्थिति